सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर सिंह की खुसूसी सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन बॉयज स्कूल पुनाना में हुआ। सेवानिवृत्ति विदाई पार्टी में बीईओ धर्मवीर सिंह के परिवार सहित रिश्तेदारों का भी शॉल व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेवात से रिटायर होकर जा रहा हूं। मेवात बहुत अच्छा क्षेत्र है। मेवात में मेरा करीब 35 साल का कार्यकाल रहा और गौरव की बात यह रही कि मैंने मेवात से ही नौकरी की शुरुआत की और मेवात से ही 35 साल बाद नौकरी पूरी करके बेदाग छवि पाकर सेवानिवृत्त हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का बिछोर नैवाणा बीसरू सहित दर्जन भर गाँव के स्कूलों में शिक्षा को सुधारने का काम किया। उनका 2 साल का कार्यकाल खंड शिक्षा अधिकारी पुनाना का रहा। डॉक्टर धर्मवीर सिंह खंड शिक्षा अधिकारी के पद से 30 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त हुए। सोमवार 1 मई को पुनाना क्षेत्र के सभी शिक्षकों द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। उन्होंने उन सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेवात बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अब से पहले मेवात में शिक्षा की कमी थी जो आज पहले से बेहतर है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा को सुधारने का काफी प्रयास किया और आने वाले साथी भी मेवात में शिक्षा को सुधारने का काम करेंगे। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के बाद पंजाबी बारात घर में खान पान का इंतजाम भी किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल नूह, विधायक जगदीश नायर होडल, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश गोरिया सहित सैकड़ों अध्यापक गण मौजूद रहे। पुनाना से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। मेरा लगभग जो एज ए बीओ 2 साल का कार्यकाल रहा है, तो इस दौरान हमने पुनाना के लिए काफ़ी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आने वाले साथी भी जो है उसमें काफ़ी सहयोग करेंगे। और कल मैं जो है 30 अप्रैल को विभाग से सेवानिवृत्त होकर आज मेरा पूरे ब्लॉक के द्वारा सभी हेड्स के द्वारा मुझे सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इसके लिए मैं समस्त खंड पुनाना के सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। कितने लंबे समय का कार्यकाल रहा है सर आपका? मेरा मेवात का लगभग 35 साल का कार्यकाल है। कहाँ कहाँ पे आपने सेवा की? मैंने बीसरू, पुनाना, टूंडला का, नैवाणा, बिछोर, सिंगार। सर शुरू से आखिर तक किस तरह की परेशानियाँ कुछ सामने आई है? नहीं, मेवात बहुत अच्छा है, कोई परेशानियाँ नहीं है। यहाँ चैलेंजेज हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको हम सब मिलकर दूर करेंगे। सर शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? बस मेरा यही संदेश है कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें और बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। आज आप शिक्षकों को छोड़ के जा रहे हैं सेवानिवृत्त? नहीं, ये एक बहुत जो है ना सौभाग्यशाली दिन होता है और ये सेवानिवृत्ति एक निश्चित समय होता है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस मेवात से जो है रिटायर होकर जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे इस लाइक समझा, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जहां तक मेरे कार्यकाल की बात है, तो लाइफ का आधा समय मैंने आपके मेवात क्षेत्र को दिया है, तो मेरी कर्म भूमि लाइफ के आधे पार्ट जो है मेरा अपनी कर्म भूमि मेवात रही है। तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने मेवात जैसे क्षेत्र से ही कार्य अपना शुरू किया और यहीं से मैंने अपने कार्य का समापन किया। ये मैं अपने सौभाग्य की बात समझता हूँ। साथियों, इस दौरान मेरे एज ए प्रिंसिपल, एज ए स्टाफ मेंबर या एज ए खंड शिक्षा अधिकारी रहे, अगर किसी के साथ कोई बात जाने अनजाने में हो गई हो तो प्लीज आप उसको यहीं छोड़ जाना, क्योंकि व्यक्ति जो है वो गलतियों का पुतला है और गलतियां ना करे तो फिर गलतियों का नाम ही खत्म हो जाएगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर कोई बात ऐसी किसी की हो गई हो मेरे साथ, अलबत्त मैंने कोशिश ये है कि शायद ऐसा मौका मैंने किसी को नहीं दिया कि भाई किसी की कोई बात हो, फिर भी हो सकती है, मनुष्य गलतियां कर सकता है। तो मैं जहां तक मेरे कार्यकाल की बात है, मैं आज भी आप लोगों से स्टेज के माध्यम से ये वादा करना चाहता हूं कि एज ए किसी साथी का पेंडिंग हो तो मैं आज की बात नहीं कर रहा, लाइफ टाइम आपके लिए मेरे द्वार खुले हैं।